नाज़िन, मैं हूं आपका होस्ट अनवार शेख। मैं मौजूद हूं कोरंगी 5 के हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उसके अंदर, और यहां पर एक बड़ा इनकलाबी तब्दीली लाए हैं। ये जो चिल्ड्रन वार्ड है उसको अपडेट किया गया है, और आवाम की सहूलत के लिए इसमें जो सहूलत पैदा की है हॉस्पिटल की तरफ से, और सिंध गवर्नमेंट ने इसमें एक इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई हैं। उस सिलसिले में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलते हैं, यहाँ की इंतज़ामिया से पूछते हैं कि उन्होंने क्या आवाम की सहूलत के लिए क्या बड़े इकदाम किए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ कोरंगी 5 हॉस्पिटल चिल्ड्रन वार्ड के अंदर, और जहाँ आवाम की सहूलत के लिए एक स्पेशल जो है इन्होंने एक अरेंजमेंट किया है, और यहाँ जो बच्चों को लेके आती है लेडीज़, उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है और क्या सहूलतें हैं। यहाँ के जो इंचार्ज हैं शाह साहब, मैं उनसे मिलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि यहाँ आवाम की सहूलत के लिए उन्होंने क्या बड़े इनकलाबी इकदाम किए। जी सर, सबसे पहले तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सिस्टम है ईक्यूएमएस के थ्रू स्टार्ट होता है। सबसे पहले जब कोई भी पेशेंट हमारी ईआर में आता है तो सबसे पहले उसको एक टिकट इशू किया जाता है, ताकि क्यू मैनेज हो सके, ताकि एक पेशेंट और जो बाकी जो पहले आया उसको पहले और जो बाद में आया उसको बाद में सर्व किया जा सके। एंड उसके बाद जब उनकी टिकट कॉल होती है उनके ईक्यूएमएस के नंबर के थ्रू, तो उनके बाद उनको जो है वो बुलाया जाता है और उनका चार्जिंग होता है। बेसिकली हमारे पास पेशेंट 3 कैटेगरीज़ के आते हैं, P1, P2 एंड P3। P1 के पेशेंट जो कि इंतहाई क्रिटिकल होते हैं वो डायरेक्ट रिसेस में चले जाते हैं, एंड P2 एंड P3। P2 वो पेशेंट जो कि जिनको ऑब्जर्वेशन की नीड होती है अभी अंडर, हमें इनको एडमिशन करना होता है, एंड P3 वो पेशेंट होते हैं जो कि OPD केसेस होते हैं बेसिकली। तो वो दो कैटेगरीज़ बेसिकली यहाँ पर फ़िल्टर होती हैं कि कौन सा पेशेंट है जो कि सीवियर है, जिसको हमने अभी इमीडिएट जो है वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एंड पी थ्री वाले पेशेंट जो है उनको जो है वो OPD केसेस हैं, उनको हम कितनी देर वेट करवा सकते हैं, क्योंकि जो P2 होता है बेसिकली उसको पहले डॉक्टर देखेगा, एंड जो P3 होता है जो कि इतना क्रिटिकल नहीं होता उसको हम 1 घंटा वेट करवा सकते हैं। तकरीबन उसका वेटिंग टाइम 1 घंटा है। हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको जितना जल्दी हम सर्व कर सकें उतना जल्दी सर्व करवा देते हैं। अच्छा, ये जो सामने जो आपका ये मशीन लगी हुई है जो मैं मेन गेट पे देख रहा हूँ, यहाँ से पहले टोकन इशू होता है, उसके बाद जो है जो पेशेंट है वो अंदर आता है, जो मैं समझा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ एंट्री होती है उसकी। अच्छा, उसके बाद उसका अगला प्रोसेस शुरू होता है जो आप बता रहे हैं सब चीज़ें। देखिए, सबसे पहले टिकट इशू होगा और उसके बाद पेशेंट हमारा जो है वो वेटिंग एरिया में आएगा। वेटिंग एरिया में सबसे पहले उसका ट्रियाज होगा। ट्रियाज में उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो कैटेगराइज होता है कि वो P2 है या P3 है, और वो P2 होता है तो उसको P2 का टिकट इशू किया जाता है, एंड जो P3 होता है तो उसको P3 का टिकट इशू किया जाता है। तो उसके बाद उन पेशेंट को मज़ीद एक नया टिकट इशू होने के बाद डॉक्टर की तरफ रेफ़र किया जाता है। ये डॉक्टर्स का वेटिंग एरिया है, तो हमारे यहाँ 24 आवर्स डॉक्टर्स यहाँ मौजूद रहते हैं जो कि उन पेशेंट्स को उनकी कैटेगरीज़ के मुताबिक देख रहे होते हैं, और जिन पेशेंट को एडमिशन की नीड होती है उनको हम एडमिट करवाते हैं, और जिनको एडमिशन की नीड नहीं होती है, जो OPD केसेस होते हैं, वो DC2 डिस्चार्ज टू होम हो जाते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ साहब, ये अगर अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी केस आ जाए फौरी, उसको आप किस तरह प्रोसेस करते हैं, वो मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि उसके लिए आपके पास क्या बड़े इकदाम हैं कि फौरी उसको ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास, देखिए मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरीज होती हैं, एक P1, P2 एंड P3। P2 एंड P3 तो हमारे पास फास्ट ट्रैक में आएंगे और उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगी, लेकिन जो बहुत ही इमीडिएट जिनको जो है वो केयर की ज़रूरत होती है वो P1 के पेशेंट होते हैं, वो डायरेक्ट रिसेस में चले जाते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, पहले उनको जो है ना ट्रीटमेंट की नीड होती है। सबसे पहले उनका प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है, एंड देन बाद में उनके जो भी बाकी प्रोसीजर्स होते हैं या रजिस्ट्रेशन होती है वो बाद में की जाती है। अच्छा, तकरीबन कितने टोकन्स इशू किए जाते हैं सुबह 8 बजे से लेके तकरीबन 1 बजे तक, मेरे ख्याल में आप लोगों का टाइम है इस हॉस्पिटल में आवाम के लिए? जी बेसिकली देखें, हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं, 24 घंटे हम सर्व करते हैं,
और अराउंड रोज़ के जो हमारे पास अराउंड 350 तकरीबन 350 टू 400, इट्स डिपेंड, कभी रश ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, तो कम से कम 350 या 300 पेशेंट पर डे हमारे पास 24 आवर्स में आ जाते हैं। अच्छा, एमरजेंसी केसेस तकरीबन कितने आते हैं जो आप फौरी उसको जो है ट्रीटमेंट करते हैं, उसका ज़रा बताइएगा। अराउंड 20 to 25 केसेस रोज़ के हमारे पास जो है वो एमरजेंसी केसेस होते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं एक बात बड़ी अहम बताना चाह रहा हूँ कि जब से यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर एक इनकलाबी तब्दीली आई है, इसको अपडेट किया गया है, उसके बाद से जो जीना हॉस्पिटल है वहाँ केसेस जो है वो लांडी, कोरंगी, मलीर शाह फैसल से बहुत कम जाते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है जो समझ लें उन इनके बस से भी तकरीबन बाहर हो जाए तो उसके बाद ये रेफ़र करते हैं, क्या ख्याल है सर? ऐसे यही कंडीशन? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हमारे पास रेफ़र का जो रेशो है वो बहुत कम है, और बहुत कम यानी कि 2% कह सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चे होते हैं वो हमारे पास से यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर ही चले जाते हैं, ज़्यादातर रेशो ऐसा ही होता है। नाज़रीन, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि यहाँ बड़े इकदाम किए गए हैं आवाम की सहूलत के लिए, और यहाँ ये एक प्रोसेस है टोकन से लेके एमरजेंसी तक का बच्चे की केयर का, और बड़ा हसास मामला हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ अमला जो है बड़ा अलर्ट है और बड़े हर तरीके से आवाम के लिए खड़े हैं वो। और एमएस साहब जो हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने स्पेशली जो है इंस्ट्रक्शन दी हुई है, यहाँ के इंचार्ज हैं ये शाह साहब, तो इन्होंने भी जो है यहाँ पर बड़ा सख्त मामला रखे हुए हैं कि किसी किस्म का भी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, अब बच्चा आया, उसका प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो एमरजेंसी जो आपका वार्ड है वो वहाँ की तरफ गया। अच्छा, यहाँ ये जो कॉन्ट्रास्ट सारे बने हुए, इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी आवाम को ज़रा बताइएगा। आवाम को मालूमात नहीं है कि कोरंगी पाँच हॉस्पिटल में जब टोकन के बाद इंटर होने के बाद ये प्रोसेस क्या है, ज़रा ये बताइए। देखें, सबसे पहले हमारे दो काउंटर हैं, दो काउंटर पेशेंट की जो है ना वो ट्रायजिंग के लिए होते हैं, उनको कैटेगराइज करना होता है कि वो P2 हैं या P3 हैं, एंड देन उसके बाद यह हमारे एडमिन ऑफिसर हैं, ठीक है, 24 आवर्स यहाँ अवेलेबल रहते हैं, 24 आवर्स उनकी सर्विसेज के लिए कोऑर्डिनेटर हमेशा यहाँ पे मौजूद रहेगा कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा जो है वो डिटोरिएट हो रहा है तो उसको हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो क्यू में ना बैठे, उनको लग रहा है कि वो बच्चा जो है वो डिटोरिएट होने लगा है तो उसको पहली फुर्सत में जाके जो है वो हम डॉक्टर को दिखाएं। हमारा एडमिन ऑफिसर, हमारा कोऑर्डिनेटर 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं और क्यू को मैनेज कर रहे होते हैं ताकि जो है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम सर्व कर सकें और उनका वेटिंग टाइम ना बढ़ सके बेसिकली। अच्छा नाज़रीन, आप ये देखें यहाँ के जो इंचार्ज वो बता रहे हैं कि आवाम को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो जब उनका इंटर हो वो टोकन के बाद, उनको जल्द से जल्द जो है वो उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाए और उनका तमाम प्रोसेस जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ कोरंगी पाँच हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में, आए लेके चलते हैं आपको अंदर आईसीयू के अंदर, जहाँ बच्चों को किस तरह यहाँ पर केयर की जा रही है, उनका किस तरह यहाँ इलाज हो रहा है आपको दिखाते हैं। अब जो है, अब यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इंचार्ज हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि यहाँ क्या सिस्टम है आवाम की सहूलत के लिए। जी सर, आप बताइए। जी, सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे थे कि क्रिटिकल पेशेंट्स जो कि हमारे पास ऑन रेगुलर बेसिस 20 से 25 पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनकी केयर कैसे की जाती है और उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो वो जो बच्चे जो कि क्रिटिकल होते हैं सबसे पहले तो वो रिसेस में हमारे पास आ जाते हैं, या हमारा रिसेस एरिया है, या राउंड ऑफ क्लॉक हमारे पास स्टाफ नर्सेस एंड डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं जो कि उन बच्चों की, क्रिटिकल बच्चों की मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं फौरी तौर पर। एंड उसके बाद हमारे पास एक और वार्ड है जो सेमी क्रिटिकल है, बेसिकली वो बच्चे जो कि क्रिटिकल आते हैं वो कुछ बेहतर हो जाते हैं, सेमी क्रिटिकल यूनिट में उनको शिफ्ट किया जाता है, एंड देन जब वो उससे भी बेहतर हो जाते हैं तो देन उन बच्चों को फिर हम वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ दवाइयों का जो आपका है इसका ज़रा हम आवाम को मालूमात ज़रा दीजिए। जी, हमारे पास फार्मेसी है यहाँ पर, वेल स्टॉक फार्मेसी है,
और जिसके हमारे पास दो काउंटर मौजूद हैं। एक जो पहला काउंटर जो कि रीसस क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए होता है, एंड जो दूसरा काउंटर है जो कि वार्ड के पेशेंट्स के लिए मौजूद रहता है। हमारे पास यहाँ फार्मासिस्ट होते हैं जो कि फार्मडी फार्मासिस्ट होते हैं, और वही जो है वो बच्चों को मेडिसिंस उनको डिस्पेंस करते हैं। और पेशेंट्स के लिए जितनी भी मेडिसिन है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई एक पैसा नहीं लिया जाता। जो भी मेडिसिन उन बच्चों को इस हॉस्पिटल में लगेगी वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड। वो हॉस्पिटल की तरफ से होती हैं तमाम दवाइयाँ जो भी पेशेंट के लिए? जी, हॉस्पिटल की तरफ से होती है, किसी किस्म की कोई चार्जिंग नहीं, किसी से कोई एक रुपया भी नहीं लिया जाता। जो भी मेडिसिन इस ईआर में उन बच्चों को लगेगी वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। नाज़िम, ये एडमिनिस्ट्रेटर थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल 5 नंबर चिल्टन वार्ड के, पूरे यहाँ के, और इन्होंने बताया कि आवाम से किसी भी किस्म की कोई चार्जिंग नहीं की जाती। कोई भी पेशेंट आए उसकी तमाम तरीके से उसको सहूलत दी जाती है, उसकी केयर की जाती है और हर तरीके से उनका ख्याल रखा जाता है। उनके अगर उनके साथ कोई सीरियस मसला है तो ये पीछे वार्ड मौजूद है, उसको मुकम्मल जो है ये हर तरीके से केयर करते हैं। नाज़िम, मैं मौजूद हूँ कोरंगी 5 हॉस्पिटल चिल्टन वार्ड के अंदर, और यहाँ मैंने पूरा विज़िट किया है और यहाँ बड़ी आवाम के लिए बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं गवर्नमेंट ने। और मैं अब चारों तरफ तमाम वार्डों में गया हूँ और टोकन से ले कर तमाम प्रोसेस मैंने देखा है और बहुत आवाम की सहूलत के लिए बेहतर कर दिया है। मैं कहता हूँ बेहतर से बेहतरीन कर दिया है, लफ्ज़ बेहतरीन है। और मैं ख़ास तौर पर MS को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और यहाँ के जो इंचार्ज हैं इरशाद साहब, मैं इनको स्पेशली खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने आवाम के लिए बहुत बेहतरी इकदाम किए हैं और बड़े इनकलाबी इकदाम किए हैं। और जो मासूम बच्चे यहाँ आते हैं, चाहे वो 10 दिन का हो चाहे वो 12 साल का हो, उसके लिए यहाँ हॉस्पिटल में बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया है सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने। मैं स्पेशली जो है एक दफ़ा फिर खराज तहसीन MS को करता हूँ, और यहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर साहब, मैं उनको स्पेशली करता हूँ कि अब किसी किस्म की घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग फौरन ही कोई ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है बच्चे की तो जीना की तरफ भागते हैं। अब लांडी कोरंगी मलिर शाह फैसल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये एक बहुत बड़ा एक इन्होंने इनकलाबी कदम उठाया हुआ है आवाम की सहूलत के। जी डॉक्टर साहब, अब क्या आपने तो माशाल्लाह इतना कुछ कर दिया है कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है एज ए एंकर, लेकिन आप क्या देखते हैं अब किसी किस्म की कोई परेशानी? आप तो 24 आवर्स मेरे ख्याल में यहाँ पर मैं तो कहूँगा कि आप वर्किंग में हैं जी, क्या क्या मसला अब किसी किस्म की कोई आपको यहाँ परेशानी कोई सिस्टम के हवाले से या आपकी मैनेजमेंट के हवाले से कोई है किसी किस्म की? बाकी आपका सिस्टम माशाल्लाह सही चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है और हम यहाँ 24 घंटे सर्विसेज देने के लिए मौजूद रहते हैं, राउंड द क्लॉक 24 आवर्स। हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ, हमारे सपोर्ट सर्विसेज, हमारे फार्मासिस्ट सब लोग यहाँ 24 घंटे के लिए मौजूद रहते हैं, और 24 घंटे जो जो पेशेंट आ जाते हैं और उनको हम 24 घंटे ही सर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, ये वार्ड आपने मुझे दिखाया, पहले तो जो बिल्कुल छोटा वार्ड था वो जो बिल्कुल ICU था, उसके बाद फिर जनरल वार्ड दिखाया। अच्छा, ये वार्ड जो है आपने मुझे बताया कि ये वार्ड जो है ये 1 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों का है, यहाँ इनकी तमाम ट्रीटमेंट की जाती है, तो ये भी 24 आवर्स है यानी 24 घंटे? जी, पूरी एमरजेंसी 24 घंटे के लिए ही हमारी ऑन रहती है, और 24 घंटे सारी की सारी ट्रीटमेंट, सारी एमरजेंसी वार्ड, आपका रिसर्स, आपके फार्मेसी, आप सब 24 घंटे ही ऑपरेशनल रहते हैं। नाज़िम, अभी बताया आप, देखा आपने डॉक्टर साहब ने जो यहाँ के इंचार्ज हैं कि हम 24 आवर्स आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं, हमारा अमला यहाँ मौजूद है और हर तरीके से आवाम की खिदमत के लिए एक जज्बे के तहत हम यहाँ मौजूद हैं। अब देखना यह है कि आवाम इस फ़ायदे, ये जो इतनी सहूलतें हैं, इसने कितना फैज़याब हो सकी है। कैमरामैन जाहिद के साथ अनवार शेख, विनस TV HD कराची।